का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप गलबात करांगे कि छोटे साहिबजादियां नूं जिस थान ते शहीद किया गया सी उस थान दे उपर गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब कदों बनाया ते इस नूं किसने बनाया। साडे बहुते वीरां नूं इह है कि इस गुरद्वारा साहिब नूं बंदा सिंह बहादुर ने बनाया, पर इस गुरद्वारा साहिब नूं बंदा सिंह बहादुर ने नहीं बनाया, सगों छोटे साहिबजादियां दी शहीदी तों 60 साल बाद गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब बनाया गया है। आपां इस दे बारे च गलबात करांगे कि इस गुरुद्वारा साहिब दी नींह किवें रखी गई। इस तों पहलां जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो जी। अब्दाली दे 6वें हमले दे दौरान वड्डा घल्लूघर वापरिया जिहदे विच लगभग 30-35 हज़ार सिंघ सिंघणियां शहीद हो गए, पर इस लड़ाई दे विच भावें सिखां दा बहुत वड्डा नुकसान होया पर इस तों बाद सिखां दे हौंसले बुलंद हो गए। सिखां दे विच जो भी अब्दाली दी फौज दा डर सी उह डर लै गया। सिखां ने बहुत ही जल्दी पिपली साहिब दी लड़ाई दे विच अब्दाली नूं हरा दित्ता। अब्दाली रात दे हनेरे दे विच सिखां तों अपनी जान बचा के दौड़ गया। सिखां दे हौंसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए सन, जिस तों बाद सिखां ने अब्दाली दे पंजाब दे विच बैठियां ही सरहंद, जलंधर अते होर बहुत सारे इलाकों नूं जित लिया। सिखां ने 1764 ईस्वी दे विच सरहंद दे उपर हमला कर दिता। उस समय सरहंद दा नवाब जैन खान सी, जैन खान सिंघां दे नाल लड़ाई करन वास्ते आया। सिखां अते जैन खान दे विच बहुत घमान दा युद्ध होया। इस युद्ध दे विच सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दी इक गोली जैन खान नूं लगी, जिस तों बाद भाई मनी सिंह जी दे भतीजे भाई थराज सिंह जी ने जैन खान दा सिर वढ के नवाब कपूर सिंह जी दे अगे पेश कीता अते सिंघां ने सारी सरहंद नूं लुट लिया। सिंघां ने सरहंद दे किले नूं ढा के उस दे उपर गधियां दा हल चलाया। पूरे शहर नूं सिंघां ने ढह ढेरी कर दिता गया। सिंघां ने इत्थों तक के मकानां दे फर्श तक भी पट दित्ते। सिंघां ने सरहंद दा मलिया मेट कर दिता, सरहंद दी इट दे नाल इट खड़का दित्ती। सिंघां ने शहर दे विचों बजुर्गां नूं इकट्ठा कीता अते बजुर्गां नूं इकट्ठा करके उस स्थान दी निशानदेही करवाई जिस स्थान दे उपर छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कीता गया सी। सिंघां ने बजुर्गां नूं पुछ के कि किस थान दे उपर छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कीता गया सी, उसके जिस स्थान दे उपर छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कीता गया सी उस स्थान दे उपर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब दी नींह रखी। सिंघां ने जो सरहंद दा किला सी इह भाई बुड्ढा सिंह भाईके नूं दे दिता ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।